हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रूपम ब्यूटी पार्लर में। आज हम आप लोगों के साथ 3 स्टेप शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम बालों को गीला कर लिए हैं और उसके बाद इसमें हम 3 सेक्शन बनाएंगे। और जो पहला सेक्शन हमारा होगा, जो हमारी आईब्रो है, आईब्रो के बीच से हम पहला सेक्शन उठाएँगे इस तरीके से, देखिए जैसे कि दिख रहा है इस तरीके से। और सेक्शन को एकदम अच्छा क्लीन बनाना है, एकदम अच्छे से बनाएंगे इस तरीके से। देखिए हमने एक बना लिया है। और दूसरा सेक्शन जो हमारा होगा, जो आईब्रो हमारी एकदम लास्ट में है, मतलब एकदम आईब्रो के किनारे से हमें यहाँ से देखिए उठाने हैं, ये हमारा दूसरा सेक्शन हो जाएगा। और तीसरा सेक्शन उससे नीचे हो जाएंगे। तो इस तरीके से देखिए एकदम अच्छे से क्लीन बनाना है हमें इस तरीके से। तो ये हमारे 2 सेक्शन बन चुके हैं। और ये लास्ट का देखिए जो बाल बचे हैं, ये 3रा सेक्शन है, इसको अच्छे से हम सुलझा रहे हैं, अच्छे से कॉम कर लिए हैं। और अब हम क्लाइंट से पूछेंगे, कोई भी कटिंग करिए तो आप क्लाइंट से पूछिए, क्लाइंट से पूछ के ही कट करिए कि उनको अपने बाल को कितने छोटे कराने हैं। तो इस तरीके से देखिए हमने इनसे पूछे तो इनको अभी और छोटा और थोड़ा सा बड़ा काटना है। तो ये देखिए इनसे पूछ लिए हैं और इनके हिसाब से इनकी लेंथ हम कम कर रहे हैं। और ये हमारी ये गाइडलाइन बन चुकी है और इस गाइडलाइन के आधार पे हम पूरा अपने बाल को कट करेंगे। इससे छोटे हमारे बाल नहीं होने चाहिए। तो पहले से देखिए इस तरीके से पीछे से हम बाल ले आए हैं, एकदम स्ट्रेट काट दिए हैं और बाल को अच्छे से सुलझाएंगे, पीछे एकदम स्ट्रेट ही ले आएंगे। बाल एकदम हमारे स्ट्रेट होने चाहिए तभी अच्छे से कटाएंगे। और दूसरा कट जो हमारा है शोल्डर के पीछे, तो दूसरी बार हम शोल्डर के पीछे काट रहे हैं। और तीसरा जो काटेंगे एकदम सीधे हम शोल्डर पे ले आएंगे इस तरीके से। देखिए हम क्लाइंट को घुमा भी रहे हैं, तो इस तरीके से हम चेयर को घुमाते हुए कट करेंगे। ये हमारे एक साइड के कट हो चुके हैं। अब इस तरीके से हम दूसरे साइड भी आएंगे और जो हमारी कटिंग हो चुकी है उसमें से हम एक गाइडलाइन लेंगे और फिर हम पीछे अच्छे से बाल को सुलझाएंगे। और देखिए नीचे ले आए हैं, बैक पे ले आए हैं और जो हमारी गाइडलाइन है उससे मिला के उसको हम स्ट्रेट काट दे रहे हैं। तो फिर दूसरा जो होगा वो हम शोल्डर के पीछे कट करेंगे इस तरीके से। और जो हमारा तीसरा कट होगा एकदम सीधे शोल्डर पे होगा। तो ये हमारे एक सेक्शन देखिए कंप्लीट है इस तरीके से कट करके। देखिए हमारे नीचे का सेक्शन ये कट चुका है। अब हम दूसरे सेक्शन को खोलेंगे और इस सेक्शन में भी हम हाफ बाल लेंगे, आधा इधर करेंगे, आधा हाँ आधा हम कट करेंगे और आधा एक साइड उसको हम रख देंगे। और एक गाइडलाइन लेंगे और जो हमारे बाल कट चुके हैं उससे हम एक बाल लेंगे छोटे से, एक हाँ एक लेयर ऐसे देखिए उठाएंगे इस तरीके से। और बाल को एकदम सीधा स्ट्रेट एकदम ऊपर ले जाएंगे। एक निशान आपको ये बता दे रहे, जैसे कि हम अपने नोच पे ले आ रहे हैं, हम कट कर रहे हैं तो हम अपने नोच के सीध पे उसको ले आ रहे हैं इस तरीके से, इतना ऊंचा हम उठाए हैं। तो ये निशान हम आपको इस तरीके से इसलिए बता रहे हैं कि अपने नोच के ऊपर हम ला रहे हैं सीध में, कि ताकि आपका कटिंग ऊंचा नीचा ना हो। तो ये देखिए वो दूसरा पहला जो उस तरीके से काटे हैं नोच के बराबर, अब तीसरा हम उसको थोड़ा सा शोल्डर पर ले आए हैं। ये देखिए हमारी कटिंग हो चुकी है। और उसी तरीके से सेम हम इधर भी करेंगे, इधर जो गाइडलाइन हमारी उसे हम मिलाएंगे इसमें और इसे भी थोड़ा हम ऊँचा उठाएँगे इस तरीके से। देखिए ऊँचे अपने नोच के बराबर देखिए हम उठाए हैं और इस तरीके से स्ट्रेट काट देंगे। और गाइडलाइन को लेते हुए हम कटिंग करेंगे और जब तक हमारी गाइडलाइन ना दिखे तब तक हम कट नहीं करेंगे इस तरीके से। देखिए तो 3 बार आपको कट करना है। और देखिए क्लाइंट मतलब कटिंग करते समय क्लाइंट के ऊपर पूरा ध्यान देना है कि सिर जो है अक्सर हिलते रहते हैं, तो सिर को भी ध्यान में दे के कटिंग करनी है कि ताकि सिर हमारे इधर उधर हिले ना, उससे भी कट गड़बड़ हो सकता है, तो वो भी देखना है। और कटिंग आप एक निशान बना लीजिए उस तरीके से, उतना ऊँचा नीचा आपको उठा के कट करने हैं। और तीसरा सेक्शन देखिए अब हम इसको खोल रहे हैं और नीचे से गाइडलाइन लिए हैं और इसको एकदम सीधा हम ऊपर ले जाएंगे, एकदम सीधा स्ट्रेट ले जाएंगे। बाल देखिए हमारे एकदम सीधे ही हैं। जब तक हमें गाइडलाइन नहीं दिखेगी तब तक हम बाल को कट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से देखिए हम सारे बाल ऊपर ले गए और जहाँ हमारी गाइडलाइन दिख जाएगी वहीं पे हम इसको कट कर देंगे इस तरीके से। फिर हम कॉम करेंगे, अच्छे से सुलझाएंगे और फिर ऊपर ले जाएंगे
जो सबसे छोटे बाल है उससे मिला के उसको हम कट कर देंगे। ये हमारे तीनों सेक्शन कट चुके हैं। ये देखिए कटिंग बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत सारे स्टेप आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और अब हम यहाँ से थोड़े से बाल को उठाएंगे, थोड़े ही बाल लेंगे यहाँ पे, और एक सेक्शन हम ये भी काटेंगे, एक स्टेप यहाँ से भी देंगे। इस तरीके से देखिए ले आए ऊपर, अच्छे से कॉम किए, जो हमारे एक्स्ट्रा बाल है इसको हम कट करके निकाल दिए हैं। और कटिंग के बाद फिर सारे बाल को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर अच्छे से उसे सुलझाएंगे, और नीचे से जो हमारे बाल एक्स्ट्रा होंगे उसे हम कट करके निकाल देंगे। और अभी हम साइड से भी थोड़े से बाल उठा के चेक कर रहे हैं कि हमारे बाल कोई ऊंचे नीचे छोटे बड़े तो नहीं है। इस तरीके से देखिए ये बाल हमारे एक्स्ट्रा है तो उसको हम काट के निकाल दे रहे हैं। सेम इसी तरीके से हम इस साइड भी करेंगे, इसी तरीके से सेम इधर भी करेंगे। कटिंग करने के बाद कम से कम 3 से 4 बार आप बाल को चेक करिए अच्छे से कि कहीं से भी बाल कोई छोटा बड़ा ना हो, ऊंचा नीचा ना हो, इस तरीके से, ताकि कटिंग एकदम परफेक्ट अच्छी होनी चाहिए, लुक एकदम अच्छा आए। इस तरीके से जो हमें एक्स्ट्रा बाल दिख रहे हैं ये हम काट देंगे, क्योंकि इनको लेंथ छोटी नहीं करानी है तो इनके जो बाल थे उसी में कट करने हैं। तो इस तरीके से जो हमें थोड़े थोड़े एक्स्ट्रा दिख रहे हैं उसी को हम कट करके निकाल रहे हैं। और इनको सामने से फ्लिक्स भी चाहिए तो इस तरीके से देखिए हम फ्लिक्स निकालेंगे। फ्लिक्स हमेशा थोड़े ही बाल कटते हैं, दोनों साइड बराबर होने चाहिए, और बाल कितना छोटा छोटा बड़ा काटना है वो क्लाइंट से हम पूछेंगे। अगर उनको बड़ा चाहिए सामने से तो हम चिन एरिया लेके काटेंगे, अगर छोटा चाहिए तो हम लिप एरिया लेके काटेंगे, अगर उससे भी छोटा चाहिए तो हम नोज एरिया लेके काटेंगे। तो इस तरीके से हम कटिंग करेंगे क्लाइंट से पूछ के उनको कितना छोटा बड़ा चाहिए, और उनसे ये भी पूछेंगे किस साइड का उनको वो पार्टीशन करती हैं। तो उस तरीके से फिर हम उस साइड उनके बाल करेंगे और अच्छे से उसे सेट करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से इनके कट पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, ये इनका लुक आया है। ये देखिए इनका लुक आया, लुक बहुत ही अच्छा लग रहा है, कटिंग भी बहुत अच्छी हुई है। और हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से बताएं, एकदम आसान तरीके से बताएं, जो कि आप लोग एकदम एक ही बार में सीख जाइए। अगर पार्लर में काम करना चाह रहे हैं तो एकदम एक ही बार में सीख जाइए और अच्छे से कटिंग करिए। और इस तरीके से देखिए हमारे कट हो चुके हैं, और अब हम सारे बाल को फोल्ड करेंगे और हम ड्रायर लगाएंगे। और ड्रायर को लगाएंगे और जैसे कि हमें 2 से 3 मिनट तक ड्रायर चलाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं चलाएंगे, और 5 मिनट के लिए इसी तरीके से हम होल्ड करके इसको रखेंगे, और 5 मिनट के बाद फिर बाल को हम खोल देंगे। तो इस तरीके से देखिए हमारे ये 5 मिनट तक हमने होल्ड किया है, अब इसको हम खोल रहे हैं। तो ये देखिए इस तरीके से कितने अच्छे लुक आए हैं, सारे स्टेप एकदम अलग अलग दिख रहे हैं और बहुत अच्छे भी लग रहे हैं।